नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एचएम न्यूज़ की खबर का जोरदार असर हुआ है। हमारी खबर के बाद उपमा प्रमुख ने एक्शन लेते हुए अतिक्रमण विरोधी विभाग के प्रमुख पद से गणेश हिम्पी को हटा दिया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को शिम्पी के खिलाफ आजाद मैदान में दो समाज सेवी राजेश नारपे और कमलेश खतुरानी धरने पर बैठे थे, जिसकी खबर हमारे संवाददाता ने वहां जाकर कवर किया। इस खबर का सकारात्मक परिणाम देखने को यह मिला कि अतिक्रमण विरोधी विभाग के प्रमुख पद से गणेश शिम्पी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले यह खबर एचएम न्यूज के द्वारा ही कवर की गई थी। काम पे काम बनते जा रहे हैं और कोई भी तोड़ू कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही है और इनको कुछ नहीं, खाली बस पैसे कमाने और सोना है, वो काम है। और हमने बीच में आरटीआई डाली हुई थी, उसके तहत हमें मालूम पड़ा है 2018 से लेके आज तक, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हैं। धरने पर बैठे खतरानी ने आरोप लगाया कि शहर में कई अवैध निर्माण सामने आए और शिम्पी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खतुरानी ने यह भी आरोप लगाया कि शिम्पी को 2013 में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था, जिसके बाद शिम्पी को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था और बाद में न जाने शिम्पी ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया कि यूएमसी में बहाल किया गया और बाद में उसे पदोन्नति दे दी गई। शिम्पी के इन्हीं सब भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया था। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।